आप लोगों का एक बार फिर से ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है तो गाइज देख सकते हैं हमारा बीबोस का 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 जो 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 है 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 दिसंबर सेशन 2022 का जो है पे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जैसे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा और आप वहां पे लॉग करोगे तो आपको जो है बीबोस का यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड जो है प्रिंट आउट करने का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन पटना यहाँ पे देखो इस आपका सारा जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया मैं आपको बता रहा था कि जो जि, जिन भी स्टूडेंट ने जो दिसंबर सेशन 2022 के स्टूडेंट हैं और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं तो बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने अपना जो है क्या किया है अपना जो है आधार वेरिफिकेशन करवा लिया है वहाँ पे जब भी करवाओगे तो आपके जीमेल पे बोला जाएगा कि कुछ दिनों में हम आपको यूज़र आई और पासवर्ड भेजेंगे तो जिन भी स्टूडेंट ने किया था तो उनका जो है पाँच छः दिन के बाद जो है मोबाइल और जी मेल जो है यूज़र आई पासवर्ड मिल रहा है उस यूज़र आईडी और पासवर्ड जब लॉगिन करोगे कैसे करोगे क्या प्रोसेस है कैसे डाउनलोड करोगे तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ बड़े लंबे समय से स्टूडेंट जो दिसंबर सेशन 2022 के ट्वेल्थ क्लास के टेंथ का तो चलो एग्ज़ाम हो गया मैं एक चीज़ और बता जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मतलब क्या किया है आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो अपना करवा लो नहीं तो तुम्हारा जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा यूज़र आई और पासवर्ड पर ही तुम्हारा जो है यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड डौल। करने का ऑप्शन दिया जाएगा पहले डमी एडमिट कार्ड आएगा फिर उसको करेक्शन करो फिर ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है सारा कुछ आ जाएगा चलेगा वीडियो के शुरू आप जो भी देखो नीचे में जो है आप जो भी सब्जेक्ट रखे हो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा चलिए मैं प्रोसेस बताता हूँ ठीक है प्रोसेस बताता हूँ वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेगा जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले हम आपको अपडेट दे रहे हैं हमारे चैनल पे हमारे माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो भी टेंथ क्लास के स्टूडेंट होते भाई उनका भी रिजल्ट जो आने वाला इंतजार का घड़ी ख़त्म हो गया है काफ़ी जल्द रिजल्ट आएगा जून दिसंबर और जून वाले सेशन का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा बहुत ही जल्द आएगा उनका एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा क्योंकि भाई उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराया ठीक है अभी दिसंबर सेशन दो का ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट देख लो भाई चलो तो देखो सबसे पहले करना क्या है गाइज़ जिनको भी यूजर आई डी और पासवर्ड मिल गया तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो भी दिसंबर सेशन 2022 के ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हो सबसे पहले बीवोस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे बिहार बोर्ड डॉट बिहार बोर्ड क्या है ऑनलाइन सॉरी बी बोस ऑनलाइन बिहार बी आई एच डॉट निक डॉट इन ये जैसे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जिस तरह का जो है वेबसाइट खुल जाएगा और देखो वेबसाइट खुलने के बाद आपको करना क्या है गाई? देखो चांद के बी बोस देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे जाके लॉग इन करते हैं फिर बोलते हैं कि सर मेरे भाई मेरे यहाँ पे लॉग इन फॉग इन करने के लिए नहीं जाना है तुमको सीधे चांदके बी बोस पे क्लिक करो ठीक है तुमको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा चलो मैं क्लिक करता हूँ जब भी मैं क्लिक करूंगा तो देखो वेबसाइट जो फटाफट जो खुलना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे देखो इस तरह से आ गया तुमको अब नीचे जाओ नीचे यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा होगा ये देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे फील्ड डिटेल्स ठीक है तो यहाँ पे जाकर दिसंबर से सन दो वाले पे सेक्शन पे जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसे यहाँ करो ठीक है चलो यहाँ पर मैंने कर दिया अब देखो तुम्हारा ऊपर में जिन्होंने आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो करवा लो यहाँ पे डिटेल भर के नहीं तो तुम्हारा अभी भी हो रहा है दस तारीख तक होगा तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है लॉग चलो यहाँ पे लॉग करो ठीक है क्या करना है यहाँ पे तुम्हारा लॉग करना है जो यूज़र आई और तुमको पासवर्ड जो मोबाइल पर जी मेल तुम्हारा भेजा गया है यूज़र आई डी यहाँ डालो पासवर्ड यहाँ डालो और यहाँ पर आपको क्या डालना है ये जो कैप्से कोड देख रहे हो बड़ा ध्यान से भरना ठीक है और जो देखो बहुत सारे स्टूडेंट को तो यूज़र आई पासवर्ड ही नहीं भरना अरे भाई मेरे जो कैपिटल है कैपिटल भरो जो स्मॉल है स्मॉल भरो ठीक है और पासवर्ड तुम्हारा जो भी गया है तो अपना वो पासवर्ड जो मोबाइल पे गया है और ये यूज़र आईडी तुम किसी को मत दो ना ये स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को दो किसी को ना दो अपने पास रखो ठीक है किसी को दोगे तो तुम्हारा भाई वो पासवर्ड चेंज कर देगा फिर तुम क्या करोगे तब तो वो तुम्हारा यूज़र आई और पासवर्ड रहा नहीं किसी और का हो गया तो किसी को भी मत दो ठीक है ना क्योंकि नीचे में देखो यहाँ पे जो है फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है एक बार पासवर्ड चेंज कर लिया तुम्हारा चेंज हो गया ठीक है ना तो किसी को मत दो अपने पास संभाल के रखो ठीक है चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो तो ये यह, यहाँ पे जैसे करोगे लॉग इन करोगे जैसे यहां पे लॉग इन करोगे उसके बाद जो है तुम्हारा मैं बताता हूं कैसा जैसे वहां पे तुम करोगे तो तुमको जो है स्टूडेंट का जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा वहां पे फिल्ड डिटेल्स वगैरह प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सारा कुछ तुमको ऑप्शन मिल जाएगा जैसे तुम फील, अप, वहाँ पे फील्ड डिटेल्स अप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो है इस तरह का जो है एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हो जाएगा और वहाँ से तुम्हारा हो जाएगा ये डमी एडमिट कार्ड है देखो अभी इस तरह से तुमको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है जो भी उसमें होगा करेक्शन करने का जो भी आएगा तो मैं एक एक का स्टेप तुमको बताऊंगा ठीक है सारा कुछ है तो हम भी किसी स्टूडेंट का प्राइवेसी तो दिखाएंगे नहीं भाई अपना तुम यूज़र आईडी है पासवर्ड मारो और देखो तुम्हारा और वहाँ पर जाकर डाउनलोड करो कितने सब्जेक्ट हैं अगर कोई मिस्टेक्स है देखो चेंज करने के लिए बोला जाएगा अभी डमी एडमिट कार्ड क्यों जारी किया जाता है अगर आपको कोई गलत है कुछ भी गलत है नाम में कुछ गलत है कहीं भी कुछ गलत है तो वहाँ पे करेक्शन करवा सकते हो तो अगर किसी चीज़ में गलत है हो सकता है सब्जेक्ट में भी आपका गलत है तो वहाँ भी आप करेक्शन होगा डम्मी एडमिट कार्ड इसीलिए जारी किया जा रहा है कि स्टूडेंट सब करेक्शन करें ठीक है तो ये ये सारी बातें हैं तो इस तरह से जिनको भी स्टूडेंट को जो है यूज़र आई और पासवर्ड मिल गया जिन भी स्टूडेंट को तो वो लोग अपना जा कर के लॉग करके जा कर के चेक करें एडमिट कार्ड डाउनलोड करें आगे आपका एग्ज़ाम जो है एग्जाम आपको जो है अक्टूबर में फ़र्स्ट वीक में होने स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर में हो जाएंगे रिजल्ट भी आपको एक महीना में मिल जाएगा तो अभी देखो सब कुछ आ गया रेडी हो गया है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है एग्ज़ाम मेरे को मैं बता दें नाइन्टी नाइन परसेंट चांस है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा एडमिट कार्ड डेट शीट जो है इसी मंथ में सब कुछ मिल जाएगा डेट शीट वगैरह एग्जाम के शेड्यूल हो जाएंगे एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा जल्द जो आपको अक्टूबर में करवा लिए जाएंगे तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है ट्वेल्थ के स्टूडेंट को भी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है यूज़र आई पासवर्ड के थ्रू तो चलिए आज ये ये अपडेट मैंने आपको दे दी जाकर के आप लोग अगर नहीं मिला है यूज़र आईडी और पासवर्ड तो आप इंतज़ार करेंगे दस तारीख तक का दस तारीख तक शायद वो करने का डेट है तो आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी यूज़र आईडी डी क्योंकि पाँच छः दिन सात दिन आपको मिलते हैं लगते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड आने में तो आप जल्दी से करके रखें तो जितना जल्दी आप आधार वेरीफिकेशन करोगे उतना जल्दी यूज़र आई पासवर्ड मिलेगा उतना जल्दी तुमको जो है वहाँ पे एडमिट कार्ड मिल जाएगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया इस तरह की वीडियो और एग्जाम की तैयारी कर लो क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो ले लो 159 में मेंबरशिप चैनल पे जाओ सब्सक्राइब बटन के बाद ज्वाइन बटन दिख रहा होगा क्लिक करो 159 फिफ्टी पे करो और क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के मिल जाएंगे अब तैयारी करो तैयारी से जोर तैयारी में जोर शोर से लग जाओ जिनका भी अभी कुछ भी पढ़ना लिखना पढ़ लो एग्ज़ाम आगे फिर मौका मिलेगा नहीं तुमको ठीक है ना अभी टाइम एक्सटेंड नहीं होने वाला है तुम्हारा एग्जाम जो है फटाक से होने वाला है अक्टूबर में ठीक है तो चलेगा इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करेंगे आज की वीडियोस काफी पसंद आई होगी बहुत दिनों से मैं बोल रहा था एग्जाम होगा एग्जाम होगा एडमिट कार्ड आएगा आएगा आ नहीं रहा था लेकिन अब आ चुका है देखो डायरेक्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड ही दे दिया है यूजर आई और पासपोर्ट पे क्या कमाल है भाई देखो आ, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं बोलते हैं तो देखो कितना इन लोगों को फर्क पड़ता है मतलब जो भी एक्शन तुरंत एक्शन लेते हैं ये लोग ठीक है ना ऐसी एक्शन लेंगे ठीक है ना जल्दी से काम होना चाहिए जो भी अधिकारी देख रहे -फट हो तो भाई फटाफट जो है निपटाओ दिसंबर वाले सेशन के ट्वेल्थ के एग्जाम को और रिजल्ट वगैरह दो एडमिशन लेंगे छुटकारा पाएंगे ठीक है तो चलिएगा इस वीडियो को भी पेंट करते हैं मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच